हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ से साल के सबसे खूबसूरत चेहरे का लॉन्च कल है और आपने लड़की अब फिक्स की है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए दादी, इससे पहले कोई ढंग की लड़की मिली नहीं रही थी। सुंदर है। थैंक यू। वैसे इसमें कोई कमी नहीं है, पर फिर भी हमारे पास एक आइडिया है। हमारे सिग्नेचर वाला एक चेक था, वो हमें दे दीजिए। ठीक है, क्यों नहीं, ये लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। तो मैं चलता हूं। थैंक यू। दादी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। रेक्सपो, यही मौका है युवराज को एहसास दिलाने का कि सौम्या से दूर रहकर उसने क्या खोया, और अगर वो कोशिश करे तो आज भी उसका प्यार उसका हो जाएगा। वाह दादी, टू गुड, बिल्कुल सही प्लान है। लो सौम्या, ये तुम्हारा तोहफा, इतना बेहतरीन खाना बनाने के लिए। दादी, मैं ये कैसे? रख लो, तुम्हारी दोस्त को भी दिया है हमने कई बार। पर दादी, आपको मेरे हाथ का बनाया खाना पसंद आ गया, मेरे लिए वही बहुत है। फिर इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें कल सुबह पता चलेगा कि इसकी जरूरत क्या है। लो, जाकर आराम करो। ये दादी क्या दे रही है? कहीं जायदाद में से हिस्सा तो नहीं दे रही है? हमें बात घुमाने की आदत नहीं है सौम्या, कल सुबह तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि हमने ये चेक क्यों दिया है। दादी पे भरोसा करो और थोड़ा इंतजार करो। दादी प्लीज, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये चेक। अजीब तो हमें लग रहा है, दादी भी कह रही हो हमें और मना भी कर रही हो। लेकिन दादी, हमें कुछ नहीं सुनना। लो, रखो इसे चुपचाप। ये लो जीजी, सौम्या हो या सुहानी, इस घर की मेन हीरोइन तो वही रहेगी। हम दोनों यहाँ के वैम थे और हमेशा वैम भी बने रहेंगे। तो अच्छी बात है ना, हम इसी तरह उन हीरोइनों की बैंड बजाते रहेंगे। मतलब ये कि दादी ने बहुत सही चाल चली। कल की सुबह जब सूरज निकलेगा ना, रोशनी कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा होगा। तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि खाना सुहानी भाभी ने बनाया। पता नहीं, माँ कह रही है तो हो सकता है। अरे हो सकता है नहीं, होगा पक्का। खाना सुहानी भाभी ने ही बनाया होगा। तो सुहानी ने माँ के सामने कुछ कहा क्यों नहीं? जैसा गुरु, तुम तो जानते ही सुहानी भाभी को कि कितनी बड़ी समाज सेविका है वो। किसी की मदद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर वो तो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे एक बात कहें, और तुम हमसे वादा करो कि भड़कोगे नहीं। वादा करो गुरु। हाँ, किया। एक बात सोच करना, हम बहुत हैप्पी फील करते
कि मौसी से गड़बड़ हुई और तुम्हारी शादी सुहानी भाभी से हुई गई। हाँ पर बुरा नहीं लगता, तू एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसे प्यार ही नहीं करता, और वो इंसान उसका ख्याल तो रखता है ना। हाँ पर वो इतनी अच्छी कि वो और प्यार डिजर्व करती। आज खाना खाकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सोना वही लड़की जिससे मैंने प्यार किया, हर तरह से, लुक्स में, ड्रेसिंग सेंस में, कुकिंग, पर नहीं, उसने मुझे हमेशा धोखा दिया। और आज सुहानी, सोमू, सॉरी यार डिस्टर्ब करने के लिए, पर कुछ बात करनी थी। सोमू की बच्ची, ये क्या अजनबी जैसी बात कर रही है? तेरा तो पूरा हक है, हक से बोल। नहीं यार, अब मुझसे ज्यादा हक तो युवराज का है तुझ पर। वो तो है, लेकिन हक जताने वाले ना इस नूपी को लेके बाहर गए बॉक के लिए, इसके लिए तुम्हें जो बोलना है बोलो। सोमू बोलना, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस सॉरी बोलना है। एक्चुअली मैं प्रतिमा आंटी को बताना चाह रही थी कि खाना तूने बनाया, और दादी को भी। तेरे हिस्से का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए ना मुझे। गलती तो तुमसे हो गई, और अब तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। हाँ तू जो भी बोले मुझे मंजूर है। पागल कहीं, तू हमारी दोस्त भी है और हमारी बहन भी, और ऐसी बातें बोलना तो दूर, कभी सोचना भी मत। हम तो बस इस बात को लेकर खुश हैं कि घर के सारे लोगों ने तुम्हें अपना लिया। Thank you so much, honey. तुझे पता है मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा सपोर्ट है तू। और ये देख, मेरी कुकिंग का इनाम दादी ने दिया है। 1,00,000 रुपए? हाँ, तो दादी को मना करी थी पर उन्होंने जबरदस्ती दे दिया। पर मैं सोच रही हूं कल उन्हें वापस कर दूंगी। तू क्या कहती है? छोड़ना, कल देखते हैं क्या करना है। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं चल। गुड नाइट। गुड नाइट। सुहानी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कमरा इतना साफ सुथरा है? स्नूपी को घुमाने गए थे या फिर करेले की चटनी चाटने? क्या कोई इतना कड़वा तो तभी बोल सकता है ना। मैंने कड़वा बोला? मैं सिर्फ सरप्राइज हुआ। नहीं हुए तुम, तुमने हमें ताना मारा। जैसे वो बुढ़ी वाली सास होती है ना, ताने मारती रहती है। कमरा साफ हो तो भी ताने मारेंगी, कमरा ना साफ हो तो भी ताने मारेंगी, हर वक्त ताने मारती रहती है। सुहानी, जो लोग अपने आप से बड़बड़ाते हैं, तुम्हें पता उन्हें क्या कहते हैं? अच्छे से पता है, उन्हें कहते हैं बेचारी अबला नारी, जिनके पति अपनी पतियों की कभी तारीफ नहीं करते। अब ये क्या है? रूठे हैं, तुम्हें दिखता नहीं? Really? तुम्हें तो रूठना भी नहीं आता। सही कह रहे हो तुम, और हमें रूठना चाहिए भी नहीं। इतना अच्छा परिवार जो मिला है हमें,
जहाँ सब लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियों का इतना ध्यान रखते हैं, और एक तुम हो, थोड़े सड़ू हो तो क्या हुआ, पर हमारा ख्याल रखते हो, इसलिए हमें रूठना चाहिए भी नहीं। और हम तो तुमसे बार बार यही कहते हैं कि बच्चन साहब के बाद तुम पहले वो इंसान हो जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। काश काश के सोमो को भी इतना अच्छा परिवार मिला होता, तुम्हारे जैसा पति मिला होता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।